बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों को कॉयल एग्स को बॉयल करने का तरीका बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है। आप इससे मुख्तलिफ रेसिपीज़ बना सकते हैं, बट आफ्टर बॉयलिंग यू कैन सिंपली एड इट टू पास्तास, सैंडविचेस, सैलड्स। इफ़ यू वॉन्ट यूर कॉयल एग्स टू बी बॉयल्ड लाइक ऑन अ मीडियम नोट, सो यू हैव टू बॉयल इट फॉर 2 मिनट्स, not more than 2 minutes. For hardened coil eggs you have to boil it for 4, and for softened you have to boil it for 1 minute. Boil कर लेने के बाद इसको remove कर ले from the pan and इसको room temperature पर लाने के बाद आप इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि इसका जो cooking process है वो stop हो जाए, right? And फ्रिज से निकाल लेने के बाद आप इसका जो स्किन है वो पील आउट कर लीजिएगा, रिमूव कर लीजिएगा बिल्कुल एहतियात के साथ। इस तरह से स्पून की मदद से थोड़ा सा टैप कर लीजिएगा, ठीक है जी, और बिल्कुल एहतियात के साथ इसको रिमूव कर लेना है। और आप इसको अपनी ही, आपकी जिस तरह की भी शेप्स, जिस तरह की भी तरीके से आप इसको काटना चाहें आप काट लें, और बहुत सी रेसिपीज़ में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ना इवन, मतलब कॉयल एग्स को आप बग़ैर बॉयल किए भी रेसिपीज़ में तो यूज़ कर सकते हैं, बट सिंपली आफ्टर बॉयलिंग आप वेराइटीज़ ऑफ रेसिपीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सैलड्स में, पास्ताज में, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है राइस डिशेज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बर्गर्स में, सैंडविचेज़ में, राइट, फास्ट फूड में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्किन रिमूव कर लेने के बाद आप इसको अपने ही डिज़ायर शेप्स में काट लें, ठीक है जी। और मैंने सिंपली इसको, मैंने एक बिरयानी बनाई थी, सीख कबाब की बिरयानी, रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी है, मैंने उसी के टॉप पर इसको, इसे गार्निश किया था कॉयल एग्स को, ठीक है जी। तो ये है वो सीख कबाब बिरयानी जिसके टॉपर मैंने गार्निश किया था कॉयल एग्स से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।